नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। देखिए ऐसे 6-6 फंदा हम गिने तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए। ऐसे 6 के मल्टीपल में हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। डिज़ाइन सामने की तरफ से डलता है, तो यदि आपको प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। मैंने इन दो कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर के बाद जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, यानी अपना पहला लाइन। तो ये डिज़ाइन सामने की तरफ से डलता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, और हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। फिर दूसरे कलर के ऊन से हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 2 फंदा हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और तब इसको ऐसे स्लिप करेंगे। 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा सीधा। दो फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे। दो फंदा स्लिप करेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो स्लिप किए हुए फंदे को हम वापस स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा स्लिप करना है और 4 फंदा उल्टा। दो फंदा स्लिप करना है और 4 फंदा उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। तो हमने अपना दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की, तो तीसरे लाइन में हम अपना पहला लाइन ही दोहराएंगे, यानी 4 फंदा सीधा, 2 फंदा स्लिप करना है, फिर 4 फंदा सीधा, 2 फंदा स्लिप करना है। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 4 फंदा सीधा और 2 फंदा स्लिप करना है, 4 फंदा सीधा और 2 फंदा स्लिप करना है। अब ये हमारे डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से, तो स्लिप किए हुए फंदे को हम वापस स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब जो फंदा हमने इधर से सीधा बुना था, तीसरी लाइन में सीधा बुना था, उन्हें हम वापस सीधा ही बुनेंगे। यानी बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है
उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुना हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। अब हम अपने, तो हमने दूसरे कलर के उनसे चार लाइन बुन लिया। अब पांचवी लाइन में हम अपने पहले कलर के उनसे बुनेंगे और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो। बुने हुए चार फंदों में से हमने दो फंदा सीधा बुन लिया और लास्ट के दो फंदे इन्हें हमें स्लिप करना है। फिर देखिए, ये हमारे दो स्लिप किए हुए फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और इन चार फंदों में लास्ट के दो फंदे हमें स्लिप करना है, यानी इन दो फंदों को हम अपने पहले कलर के उनसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हो गए चार फंदे, तो पहले कलर के उनसे चार फंदा सीधा बुन लिया, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे। देखिए, हमने चार फंदा सीधा बुना था ना, तो लास्ट के दो फंदे ये हमें स्लिप करने हैं, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है, चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है और लास्ट में दो फंदा बचेगा तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का छठा लाइन है। तो दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये चार फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे हमें उल्टा बुन लेने हैं और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है। बुना हुआ फंदा स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है और बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेना है। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, बुना हुआ फंदा उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमने अपना छठा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो सातवें लाइन में हम अपना पांचवा लाइन ही दोहराएंगे, यानी दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे। अब हमारे पास बीच में चार चार फंदे आते जाएंगे तो उन्हें हम सीधा बुनेंगे, चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है, चार फंदा सीधा। अब ये हमारे डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर दो फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर चार फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर दो फंदा स्लिप करेंगे, यानी बुना हुआ फंदा हम इस लाइन में सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, 8 लाइन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए सीढ़ीदार ऐसे ही डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।